युवतियों के साथ वीडियो बना ब्लैकमेलिंग के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। जय हिंद आदाब, मैं हूं साजिद दिलबर, आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। ऐसा ही मामला मेरठ से प्रकाश में आया है, जहां एसएसपी ऑफिस शिकायत करने पहुंची सीमा ने बताया कि एक लड़का उसके पीछे पड़ा है और स्कूल टाइम से ही उसे लाइक करता है, और एक बार उसने उसे धोखे से बुला लिया और उसके भाई ने उसकी वीडियो बना ली, तब से ही वो उसको ब्लैकमेल करते हैं, कई जगह से उसका रिश्ता भी तोड़वा चुके हैं। आइए पूरी जानकारी करते हैं सीमा से ही, क्या कहना है उसका इस बारे में। मेरा नाम सीमा है। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम सीमा है जी। क्या मामला था? एसएसपी कार्यालय पर आकर, मतलब एक लड़का है जो मुझे कॉलेज टाइम से लाइक करता, वो मुझे आते जाते में परेशान करता था, और उसके बाद में वो मुझे लाइक करने लगा। एक बार अचानक से उसने मुझे अपने घर से बुलाया, और मतलब मुझे पता नहीं था, मैं उसके घर पर चली गई। उसके भाई ने मुझे फ़ोटो वोटो कोई मतलब बना ली, वीडियो वगैरह बना ली, और उनको मेरा रिश्ता तोड़वाने के लिए मतलब मेरे फ़ोटो वोटो वायरल करने की कोशिश करी, कर भी दी, दो रिश्ते छुड़वा चुका है वो मेरे, और मतलब मारने की धमकी भी दे चुका है। लड़का कहाँ का है? ये वहाँ का है, नंगलता सिंह मातापुरी। आप कहाँ रहती हो? मैं भी उसी गली में रहती हूँ। बराबर में रहते हैं? बराबर में रहती हूँ, दो घर। नाम क्या है? मिंकल भाटिया, और उसके भाई का नाम जिसने फोटो वायरल वगैरह की थी उसका नाम है मोहित। जब से जॉब लगी ना उसकी, तो क्या जॉब लगी उसकी? उसकी है लोको पायलट में, रेलवे ग्रुप। वो तो अभी लगी है जॉब उसकी? अभी लगी है 2021 के समथिंग लगी है।